କୃଷକମାନଙ୍କ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ଦେଢ଼ ଘଣ୍ଟାର ସମ୍ବୋଧନ। ଚାଷୀଙ୍କ ଆକାଉଣ୍ଟକୁ ଦେଲେ 18,000 କୋଟି ଟଙ୍କା। ନୂଆପଡ଼ାର ଚାଷୀ ନବୀନଙ୍କ ସହ କଥା ହେଲେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ। ବିରୋଧୀଙ୍କୁ ସିଧାସଳଖ ଟାର୍ଗେଟ। କୃଷକଙ୍କ ନାଁରେ ରାଜନୀତିର ଗୋଟି ଖେଳୁଛନ୍ତି ବିରୋଧୀ। ମମତାଙ୍କ ଠାରୁ ବାମଦଳ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବର୍ଷିଲେ ମୋଦି। କୃଷି ବିଲ୍ କେବଳ କୃଷକଙ୍କ ଉନ୍ନତି ପାଇଁ। ଆଜି ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଦେଶର 9 କୋଟି କୃଷକଙ୍କ ଆକାଉଣ୍ଟକୁ 18,000 କୋଟି ଟଙ୍କା ଟ୍ରାନ୍ସଫର କରିଛନ୍ତି। ଏହାପରେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ମୋଦି ଆଜି 6ଟି ରାଜ୍ୟର କୃଷକମାନଙ୍କ ସହ ଭିଡିଓ କନଫରେନ୍ସିଂ ମାଧ୍ୟମରେ ସିଧାସଳଖ କଥା ହୋଇଛନ୍ତି। କିଛି ଛୋଟ ଓ ମଧ୍ୟମ ଧରଣର ଚାଷୀମାନଙ୍କ ସହ କଥା ହୋଇ ସରକାରଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଚାଷୀମାନଙ୍କ ପାଇଁ କରାଯାଇଥିବା ବିଭିନ୍ନ ଯୋଜନା ଓ ସେଥିରୁ ମିଳିଥିବା ସୁଫଳ ବିଷୟରେ ପଚାରି ବୁଝିଥିଲେ। ଓଡ଼ିଶାର ଚାଷୀ ନବୀନ କିଷାନ ସମ୍ମାନ ନିଧି ଯୋଜନା ଓ କିଷାନ କ୍ରେଡିଟ କାର୍ଡରୁ କିପରି ଲାଭ ପାଇଛନ୍ତି ସେ କଥା ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ମୋଦିଙ୍କୁ କହିଥିଲେ। କିଷାନ କ୍ରେଡିଟ କାର୍ଡ ଜରିଆରେ ସୁବିଧାରେ ଋଣ ପାଇପାରିଛନ୍ତି ଓ ଏହା ସହିତ ଫସଲ ପାଇଁ ବିହନ ସାର ଆଦି ସୁବିଧାରେ ତାଙ୍କୁ ଉପଲବ୍ଧ ହୋଇପାରିଛି ବୋଲି ମଧ୍ୟ ସେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କୁ ଜଣାଇଥିଲେ। मुझे पीएम 5 किस्तों में 10,000 के पीएम किसान सहायता प्राप्त हुआ है। मैंने इस धन को खाद बीज कीटनाशक खरीद के लिए उपयोग किया है। एकीकृत यानी खेती और पशुपालन के लिए धन का उपयोग करने की योजना बना रहा हूँ। अच्छा, भारत सरकार एक किसान क्रेडिट कार्ड देती है, वो आपको मालूम है क्या? जी। आपको किसान क्रेडिट कार्ड मिला है? मिला है सर। अच्छा, तो उसका क्या करता है? मुझे 12 मार्च 2019 को क्रेडिट कार्ड मिला है। मैंने 4% के ब्याज दर से बैंक से 27,000 का ऋण लिया है। पहले तो 20% ब्याज दर से साहूकार से कर्जा लेना पड़ता था। अब 4% के हिसाब ब्याज दर से मेरे को ऋण मिल रहा है और मैं इस धन को ब्याज धन को बीज खाद कीटनाशक के लिए केसीसी का उपयोग किया है। केसीसी और पीएम किसान की योजना के लाभ से मेरे जीवन स्तर में सुधार हुआ है, इसीलिए आपको प्रधानमंत्री जी मेरा नमस्कार। सेई परी हरियाणा यूपी महाराष्ट्र तमिलनाडु अरुणाचल प्रदेश आदि राज्यर कृषकंक सहित फसल उत्पादन ठारु आरंभ करी कृषि बिल रो उपयोगिता विषय रे कथा होइछंती प्रधानमंत्री। କୃଷି ବିଲ୍ ଆଳରେ ନିଜ ରାଜନୈତିକ ସ୍ୱାର୍ଥର ଖେଳ ଖେଳୁଛନ୍ତି ବୋଲି କହି ସିଧାସଳଖ ବିରୋଧୀଙ୍କୁ ଟାର୍ଗେଟ କରିଥିଲେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ। ଯେଉଁମାନେ ନିଜେ କୃଷକମାନଙ୍କ ଉନ୍ନତି କଥା ଭାବିନାହାନ୍ତି ସେମାନେ ଆଜି ନିଜର ରାଜନୈତିକ ସ୍ୱାର୍ଥ ପୂରଣ କରିବା ପାଇଁ ନିର୍ଦ୍ଦୋଷ କୃଷକମାନଙ୍କୁ ଉସ୍କାଉଛନ୍ତି। ବିପକ୍ଷ କେବଳ ଭ୍ରମ ଓ ଭୟର ବାତାବରଣ ସୃଷ୍ଟି କରିବା ସହିତ କୃଷକ ଆନ୍ଦୋଳନ ବାହାନାରେ निजर दोमुआ नीति को दर्शाउची बोली कहिले प्रधानमंत्री। अब समय आ गया है कि ब्रांड इंडिया दुनिया के कृषि बाजारों में भी खुद को उतनी ही प्रतिष्ठा के साथ स्थापित करे। साथियों, कुछ राजनीतिक दल जिन्हें देश की जनता ने लोकतांत्रिक तरीके से नकार दिया है, वो आज कुछ किसानों को गुमराह करके जो कुछ भी कर रहे हैं उन सबको बार बार नम्रतापूर्वक सरकार की तरफ से अनेक प्रयासों के बावजूद भी किसी न किसी राजनीतिक कारण से, किसी ने बंधी बंधी राजनीतिक विचारधारा के कारण से ये चर्चा नहीं होने दे रहे हैं। कृषि कानूनों के संदर्भ में ये जो पॉलिटिकल पार्टी की विचारधारा वाले जो कुछ लोग हैं, जो किसानों के कंधे पर बंदूकें फोड़ रहे हैं, कृषि कानूनों के संदर्भ में उनके पास ठोस तर्क न होने के कारण वो भांति भांति के मुद्दों को
किसानों के नाम पर उछाल रहे हैं। बेंगल रो कृषक माने केंद्र सरकार को अनुमोदित कृषि योजना रा लाभ पाई नथि बारु दुखित हेबा सहित एति पाई ममता को नीति उपरे सीधा सड़क अटैक करिसेंति प्रधानमंत्री। एमएसपी अछि ओ रहिब बोली पुणि थरे जोर दे कृषक माने सेमानकर उत्पाद को एमएसपी रे हेउ बा मंडी रे हेउ बिक्री करि पारिबे बोली कहिसेंति प्रधानमंत्री। नूतन कृषि बिल केवल कृषकक उन्नति पाई एवं एहाकु नै कृषक माने कोनसी भ्रमर शिकार न होवंतु बोली प्रधानमंत्री संबोधन रे गुरुत्व देछंती। ब्यूरो रिपोर्ट अर्गस न्यूज़।